बामौर कला पुलिस ने अवैध रेत का उत्खनन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। बामौर कला पुलिस ने रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते रात्रि करीब 9 बजे थाना प्रभारी बामौर कला उप निरीक्षक पुनीत वाजपेयी द्वारा अवैध रेत के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जानकारी के अनुसार कल रात में थाना प्रभारी बामौर कला कस्बा भ्रमण करते हुए हसर्रा नहर तिराहे पर पहुंचे तो सामने से एक नीले रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखा। संदेह होने पर रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को बंद कर भाग गया। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को चेक किया तो उसमें अवैध रेत भरी हुई थी एवं रेत के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले, जिससे उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अपराध क्रमांक 39/30 धारा 379 भादवी 4A 21A खनिज एक्ट 1957 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बामौर कला पुनीत वाजपेयी रघुवीर पाल आलू की सराहनीय भूमिका रही। कल दिनांक 15/4/23 को रात्रि के 9 बजे के समय कछुआ भ्रमण में स्टाफ के थे, जहाँ पर शर्रत राय पर थे, जहाँ पर मुखिया द्वारा सूचना मिली कि एक अवैध रेत का परिवहन कर रहे हुए ट्रैक्टर मै ट्रॉली के जा रहा है। जिस सूचना की तस्दीक हेतु तिराहे से नहर के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक अवैध रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली था, जिसे एक अज्ञात चालक चला रहा था। जो पुलिस की गाड़ी को देखकर चालक तो अंधेरे का फायदा लेकर भाग गया, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली को मौके पर जब्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है।